हम तो आपका तारा विधानसभा पहली बार आया है ना, लेकिन तारापुर का नाम बहुत पहले और हम ही नहीं देश विदेश का लोग जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग करीब करीब लोग जानते हैं। तारापुर के जो पूर्वज लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, तो शायद ही कोई जगह ऐसा होगा दिया है। आज उन्हीं के याद में 15 फरवरी हर साल शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो याद करने वाला दिन है जो 1932 में जब हमारे यहाँ तारापुर के वासी लोग और बाप के बेटा बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ तक हुआ कि कुछ लोगों का लाश का पहचान हुआ था और कुछ लोगों का दुर्भाग्य था कि पहचान भी नहीं हुआ, लेकिन पहचान होना न होना एक ही समान रहा और सारे लोगों को गंगा मैया में ले जाकर के बहा दिया गया। उस धरती पे आने का मौका हमको पहली बार मिला है। हमने यहाँ पे अनेकों खामियाँ देखी जो बरसों बरस से सरकार जो चली आ रही है, उनके द्वारा अगर जो कार्य किया जाता तो दो चार ऐसा कार्य है जो महत्वपूर्ण है, यहाँ के शहादत लोगों ने दिया है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, उसके मद्देनजर भी अगर चाहते करना तो कर सकते थे। बघारा जलाशय जो योजना है, बघारा जलाशय जो परियोजना अभी तक जो पूर्ण नहीं हुआ है वो दुर्भाग्य है। अगर जो पूर्ण होती तो आज हजारों हजारों एकड़ में जो सिंचाई के लिए पानी के लिए तरसते हैं वो तो नहीं कर सकते। ईश्वर स्थान पूरे बिहार में उनको समर्थन मिला था और कुछ नहीं। मेरा सवाल ये था कि वो कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान ही नहीं पूरे बिहार में सभी लोगों का समर्थन मिला था, लेकिन कुछ सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा बेईमानी की नीयत से आगे बढ़ने नहीं दिया गया और वो नहीं बढ़े हैं। लेकिन उनकी खामियाजा है, दोनों जो विधानसभा उपचुनाव है इसमें भुगतना पड़ेगा और दिखाने के लिए हर तरह का व्यक्ति, हर समाज के लोग, हर तबके के लोग तैयार हैं कि दोनों उपचुनाव गठबंधन के लिए चुनाव जीता करके हम लोग, यानी कि तेजस्वी के साथ तेज प्रताप जी आएंगे। तेज प्रताप और न तेजस्वी प्रसाद दोनों कभी अलग थे, आना कभी होंगे, न कांग्रेस कभी अलग था न होंगे। विशेष RJD गठबंधन, महागठबंधन एक दूसरे का पूरक है। कल भी उनको आवश्यकता है, आज भी उनके हमें आवश्यकता है।